8,400 रुपए में मेरे हिसाब से छोटी फैमिली जो बगैर बिजली के या अगर लाइट्स वगैरह जाती है वो इजीली अपने घर को सुकून दो लाइटों के साथ, दो पंखों के साथ और ये रूम कूलर के साथ इजीली अवेल कर सकती है। इसका पूरा सजा मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 200 वाट लिखा हुआ है ये भाई जन। जी सर। ठीक है, ये आ गए पंखे यार, डिजाइन तो बहुत लश्कर है यार, जबरदस्त है भाई। ये रिमोट के साथ है। ठीक है, ये इसका सर्किट होता है सर। सही है, सही है सर। और ये फैन होता है हमारा। सही है, पक्का कॉपर है 100%। अगर सिल्वर हो मैं डबल पैसे देने का दिन डालू। ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, वो पुराना पंखा क्या करें आप? सर पुराना पंखा हम इस टाइप के तरीके से खरीदते हैं, ये देखें। अब ये देखिए वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से खरीदते हैं। अब ये कॉपर है भाई, बाहर खड़े में हाँ। ये तीन पंखे लाए हमने, इसकी कीमत ओहो ये तो अच्छा खासा भारी है भाई। सपोज करो 5,500 रुपए का है तो अगर तकरीबन 3,000 भी आ गए तो 2,500 मिलाने ऑटोमेटिकली। एक भाई खड़े में बाहर, सही है, उनके तकरीबन 4,700 रुपए बने। सही है, अगर वो मिसाल के तौर मुझसे एक पंखा लेते हैं 700 रुपए देकर जाएंगे। ओ और ज्यादातर जो पंखा हमने अभी तक जो लिया है वो 14 किलो का लिया है, तकरीबन जो है 4,000 से अबव गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो भाई क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। एक दफा हम फिर मौजूद हैं आराम बाग पे। यहाँ आने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि हम छोटी फैमिली के लिए सिर्फ और सिर्फ 8,450 रुपए, वो भी समझे आप 8,400 रुपए में इजीली आप ये चीजें रन कर सकते हैं, जिसमें दो पंखे आ गए और ये देखें आप, ये एक ये रूम कूलर है जो अगर आपकी लाइट चल जाए तो आप किस तरीके से चलाएंगे, ये रूम कूलर चला सकते हैं, कुछ लाइट चला सकते हैं और एसी डीसी वाले पंखे, ये देखें एसी डीसी वाले ये पंखे वो चला सकते हैं। तो आज हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि आप किस तरीके से रूम कूलर, एसी डीसी, फैन, ये सारी चीजें एक प्लेट पे किस तरीके से चला सकते हैं और किस तरीके से ये प्लेट ले सकते हैं, क्योंकि 8,400 रुपए में मेरे हिसाब से छोटी फैमिली जो बगैर बिजली के या अगर लाइट वगैरह जाती है वो इजीली अपने घर को सुकून दो लाइटों के साथ, दो पंखों के साथ और ये रूम कूलर के साथ इजीली अवेल कर सकती है। मतलब गर्मी को करो बाय बाय भाई मेरे हिसाब से। तो आज हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये आज तक का एक सस्ता तरीन सोलर पैकेज 8,400 रुपए में, ऐसा है या 8,450 रुपए? सर 8,450 रुपए में हमारे पास सोलर प्लेट है इस टाइम 200 वाट में। 200 वाट है ये? जी सर। ठीक है भाई, ये देखिए ये कौन सी कंपनी है? सेल जर्मनी। सेल जर्मनी और सोलर प्लेट है 200 वाट। 200 वाट ये देखें भाई, भाईजान इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये इसका पूरा सजा मौजूद है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 200 वाट लिखा हुआ है ये भाईजान। जी सर। ठीक है, ये भाई प्रॉपर ये पूरी प्लेट जबरदस्ती है भाई, कितने का दे देंगे? सर ये सोलर प्लेट जो है 8,450 रुपए की। 8,450 रुपए की, ठीक है। ये इसके अंदर जो है हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों से कहते हैं एक 70 एम्पीयर की बैटरी ले लें, उस पर आप 2 AC/DC फैन लगा लें। अगर फैन न चाहे तो आप रूम कूलर, इस टाइम गर्मी है लोगों की जरूरत है तो आप रूम कूलर भी लेके जो है उसको यूज कर। हालांकि आपके पास जो रूम कूलर वो इतना नहीं खाता सर, हमारा रूम कूलर तो वैसे ऑलरेडी कम है ना, 12 वोल्ट का है ना? 12 वोल्ट है। हाँ, तो वो तो इजीली चल जाएगा इसमें, बहुत आराम से चलता है इजीली। ये आपको बताना यूं जरूरी होता है, लोग ये समझ लें शायद 8,450 में सब चीज देगा। हाँ, ऐसा नहीं है, सिर्फ सोलर प्लेट है। सवाल ही पैदा नहीं है ना भाई, ये सोलर प्लेट के रेट है सर, साथ में क्या पंखा भी दोगे, रूम कूलर भी दोगे, बैटरी भी दोगे, ये कैसे हो सकता है सर? असल में तो आप समझ लेना बात, लेकिन बाद आवाम ऐसे आए थे हम वीडियो दिखा, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भैया ये सोलर प्लेट 200 वॉट की भाईजान दे रहे हैं 8,450 में। जी हाँ। चलो वीडियो की थ्रो 8,400 कर लेंगे। हो गया, ठीक है, चलो ये कर लिया भाई, हमारी बात मान ली। अब इसमें तुम दो पंखे चला सकते हो, लाइट है, रूम कूलर चला सकते हो, वो हटा के ये सारी चीजें चला सकते हो। अब इसमें ये थोड़ी है कि आप पंखा भी दोगे, ये नॉट पॉसिबल है ना यार, ये तो अकल भी कोई काम करती है नहीं करती है यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कूलर के हवाले से भी। हमने कूलर के रेट कोट करे, पिछले हफ्ते आपको बताया था 5,900 का कूलर हो गया। हाँ। आज आपको 3 दिन बायकॉट करने के बाद हम किस रेट पे लेके आए हमें बताए। सही बात है, और आवाम अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे रही है। कुछ लोग, चंद लोग होते हैं, कंप्यूटर भी है, मामला भी हैं, जो बुराइयां करते हैं वो करने से उनका हक है। हाँ हाँ, हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये देखें, ये आ गए पंखे यार, डिजाइन तो बहुत लश्कर है यार, जबरदस्त है भाई। अच्छा भाई, आप भाईजान सबसे पहले ये बताएं कि ये पंखा कितने का पड़ेगा? सर 5,500। 5,500, कुछ इसमें कमी बेची हो सकती है वीडियो के थ्रू? इसके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरे बहुत कम से कम प्राइस है। अच्छा, बहुत कम से कम है। ये रिमोट कंट्रोल है? जी सर। ये रख दें आप थोड़ा सा डिटेल बता दें। ये रिमोट के साथ है। ठीक है, ये इसका सर्किट होता है सर। सही है, सही है सर। और ये फैन होता है हमारा। सही है, ये कॉपर के अंदर होता है, सिल्वर में नहीं होता। पक्का कॉपर है 100%। अगर सिल्वर हो मैं डबल पैसे देने का दिन डालू। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और अच्छा, अब मसला ये आ जाता है कि यार अब पंखा बंदा चेंज कराए, घर में ऑलरेडी पंखा छत में लगा हुआ है, वो तकरीबन 140 वाट खाता होगा। नहीं, तकरीबन 160 वाट खाता। हाँ, मतलब मिनिमम मैंने बता दिया 140। और ये वाला जो पंखा है नया, 50 वाट खाता है, 30 वाट कह के बिकता है। 30 वाट कह के बिकता है, 50 वाट। अच्छा, वो पुराना पंखा क्या करें आप? सर पुराना पंखा हम इस टाइप के तरीके से खरीदते हैं, ये देखें। अब ये देखिए वजन के हिसाब से, वजन के हिसाब से खरीदते हैं। अब ये कॉपर है,
भाई बाहर खड़े में हाँ। ये तीन पंखे लाए हमने, इसकी कीमत ओहो ये तो अच्छा खासा भारी है भाई। हाँ। कुछ ऐसे पंखे जो 3,000-3,500 रुपए 4,000 रुपए के निकल जाते हैं, 11-11 रुपए किलो, 11-11 किलो के होता है, 10 किलो का होता है, 12 किलो का होता है, 12 पंखा 4 किलो का भी आ जाता है। जो त्रादू वेट बताता है उसके साथ उनके पैसे कोट कर, मतलब सपोज करो 5,500 रुपए का है तो अगर तकरीबन 3,000 भी आ गया तो 2,500 मिलाने ऑटोमेटिकली, कभी 3,500 भी आ जाता होगा, कभी 2,500 भी आ जाता होगा। एक भाई खड़े में बाहर तीन पंखे लेके आए जिसमें 2 कॉपर 1 सिल्वर है, सही है, उनके तकरीबन 4,700 रुपए बने, सही है। अगर वो मिसाल के तौर पर मुझसे एक पंखा लेते हैं 700 रुपए देकर जाएंगे। ओ मतलब ये मिनिमम साइड ये 2,500 रुपए तक का निकल जाता है, 2,500-3,000 कम से कम। जो पंखा इस टाइम है जो हल्के से हल्का पंखा जो आ रहा है वो 800 से 1,000 रुपए लगता है, सही है। और ज्यादा जो पंखा हमने अभी तक जो लिया है वो 14 किलो का लिया है, ओहो तकरीबन जो है 4,000 से अबव गया, वो बाबा ये आदम के जमाने का होगा भाई, बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त हो गया। अच्छा भाई आपके पास इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? जो कि मेरे पास बैटरी चार्जर्स होते हैं, मेरे पास कूलर्स होते हैं, ये जुगाड़ू फैन आप ये देख सकते हैं, जुगाड़ू फैन आप दिखा सकते हैं आवाम को, ये सारे जुगाड़ू फैन होते हैं, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं, किसी के प्रिंसिपल फैन होते हैं। तो भाई मतलब इतनी गर्मी में जैसे बिजली जा रही है तो आपने मसला हल कर दिया, ये इजीली ये वाला रूम कूलर भी सोलर प्लेट पे इजीली चल सकता है? देखिए बहुत इजी चलता है। हाँ ये 12 वोल्ट का ही था, अब हम इसको इलेक्ट्रिक में भी यूज करा रहे हैं लोगों से। हाँ और लोगों से डॉक्टर लगवा के चलवाना है, सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट कहाँ आ रहा है वो आ रहा है पानी की मोटर में। हाँ जिसके लोगों को कंप्लेन भी आ रही है और शिकायत भी। असल में लोग अगर मलमल का कपड़ा आगे लगा लेना तो उसमें उसकी गंदगी ना जाए, अगर हम अगर ये कहते हैं ना तो लोग पता है हमें क्या कहते हैं, आपने बताया नहीं था। हाँ तो भाई वीडियो पे ये बता रहा हूँ कि जब भी आप ये रूम कूलर लो तो इसका पंप के आगे मलमल का कपड़ा लाजमी लगा लो, क्योंकि अगर गंदगी जाएगी छोटा सा फैन होता है, बस वो छोटा सा फैन वो हो जाएगा। तो भाई इजीली आप ऐसे 2 फैन रूम कूलर लाइट्स वगैरह रन आप कर सकते हैं इजीली। ये प्लेट्स भाजन अभी ऐसे ही रहेगी रेट? बैटरी बिल्कुल, बैटरी आपने लगानी है। देखिए अगर मेरे पास स्टॉक मौजूद है यही रेट चलेगा, पिछले हफ्ते यही कूलर 5,900 पे चले गया था, सही है। इसको कहाँ लेकर आया जब 3,600 पे लेकर आया दोबारा। हाँ। और कितना बड़ा फर्क लेकर आया ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, मतलब ये कि एक मैं कहता हूँ छोटी फैमिली इजीली अपनी 200 वॉट का अगर प्लेट ले ले तो वो बिजली के बगैर जान छुड़ा सकती है। देखिए कुछ टाइम तक कुछ घंटों तक। हाँ क्योंकि आपको अगर पूरी रात गुजारनी है आपको बैटरी मैंने धूप में तो आप 12 घंटे चलाओ, कोई इशू नहीं, इजीली धूप में कोई इशू नहीं। नंबर नंबर एड्रेस वगैरह सर मेरा वही नंबर है 0300221895 बादशाही स्वीट के सामने फ्रेस्को के बराबर में, भाजन इलेक्ट्रिक स्टोर, फोन उठाते नहीं है, व्हाट्सएप पे जरूर रब्ता करते हैं। चले चले भाई व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। वैसे हमारी वीडियो के थ्रू कुछ रिस्पांस मिलता है क्या? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं और आपको भी पता है अल्लाह का शुक्र है, अच्छी की उम्मीद होती है बुराई की उम्मीद नहीं होती। चले अच्छी बात, कोशिश ये होती है जो जबान कर रहे हैं पीछे ना हटे। चले चले कूलर में पीछे हटे वो भी महंगा इतना मटेरियल हो गया था हमारी बस से बाहर हो गई थी, सही है। लेकिन जब एकदम काबू करा है तो अब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी खुश है, आप भी खुश है, हम भी खुश है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त।